बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस खालिद अर्ज़ कर रहा हूँ और आज हम वेबटॉक कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। वेबटॉक क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इस पर कैसे काम किया जाता है, वी ऑलरेडी हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके, जूम मीटिंग्स में डिस्कस कर चुके। आज जो हमने बात करनी है वो बात हम इसकी कैलकुलेशन पे करेंगे। तो वो बात करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा और वो ये है कि आपको ये बताऊं द व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड ऑल दिस। रियलिटी ये, हकीकत ये है कि इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। ये चीज़ आपने जहन से निकाल देनी है कि ये कोई स्कीम है, कोई बड़ी स्कीम आ गई है जनाब, बस इसमें आप ज्वाइन होते जाओ, फ्री ज्वाइन हो, बाद में $100 $200 से ज्वाइन हो और जनाब धड़ाधड़ पैसे आ रहे हैं, रातों रात आप मिलियनेयर बन जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क, क्वालिटी वर्क करना होगा, तब जाके आप महीने के $1,000, $5,000 और $12,000 और इवन इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अनलिमिटेड मनी आप कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन आपकी ठीक होगी, समझ दुरुस्त होगी, तो आप ये कमा सकेंगे, नो डाउट। दूसरी बात एम, एक तो बात ये मैंने कह दी कि इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, एक कारोबार है जो आप करेंगे ऑनलाइन अच्छे तरीके से। आपको ये सेकेंड इनकम आपको जनरेट करेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल सकता है, पर उसके लिए आपने एक प्रोसीजर फॉलो करना है। इट्स अ सोशल मीडिया वेबसाइट फ्रॉम यूएसए। होता ये है कि हम वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, और वो कंपेयर हो सकते हैं क्या? एप्पल एप्पल होता है, ऑरेंज ऑरेंज होता है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास दो फोन हैं, एक हंगरी का है और एक चाइना मेड है, इंडिया मेड है, पाकिस्तानी मेड है, कौन सा पसंद करेंगे आप? तो बगैर सोचे आप फौरन कहेंगे हंगरी का फोन उठाएंगे हम। मैं कहता हूँ एक टीवी है जो कि जापानी है और एक टीवी है जो कि चाइनीज़ है, तो आप कौन सी टीवी लेना पसंद करेंगे? ये तो कहेंगे सर ये कोई पूछने वाली बात है, ज़ाहिर है जापानी टीवी पसंद करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जापान जापान है। इस तरह जितनी भी इससे पहले कंपनियाँ आ गईं, चाइना, सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, इन सबको मैं लोकल कहता हूँ, दे आर लोकल कंपनीज। अब इनको हम इंटरनेशनल ब्रांड्स, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एमवे से अगर कंपेयर करना शुरू कर दें तो इसका मतलब है हमें साइकाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अब होता क्या है, लोग आते हैं और बड़ी मूछों को ताव देते हैं और कहते हैं जनाब अली ये आप अभी हमें बता रहे हैं, ये हमें पहले का पता है, फलां कंपनी आई थी उसने ये किया था, फलां कंपनी आई थी उसने ये किया था, फलां कंपनी के एजेंट ने ये बात की थी, हमने इंट्रियाँ लगाई। ये कम ऑन द वर्ड्स, इंट्रियाँ लगाना, फलां कंपनी आई थी, वो लोकल कंपनियों के नाम ले रहे होते हैं जिन्हें कोई बाहर की दुनिया जानती नहीं है, और ये अभी उनका नाम लेके और फिर वो उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। दिस इज़ ऑल बुलशिट, सॉरी टू से। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हम किस कंपनी से हम रابطे में हैं और कौन सी कंपनी है। ये यूएसए की कंपनी है और अच्छा चल रही है और अभी भी ये R&D के प्रोसीजर में है। आज 5 सितंबर को मैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी तक इनका प्रॉपर लॉन्च नहीं हुआ, ये बीटा फेज से गुजर रहे हैं और ये पिछले 9 साल से इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कंपटीशन फेसबुक से है, लिंक्डइन से है। तो अगर आपकी आपने बॉक्सिंग खेलनी है और आपके सामने मध्य मुकाबल माइक टाइसन हो या मोहम्मद अली हो, कले हो, तो आप क्या अगले दिन जाके स्टार्ट करना शुरू कर देंगे? आपने उसके लिए सालों प्रैक्टिस करनी है भाई कि आप किसके साथ लड़ने जा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की और अब जाके इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। डोंट थिंक विद एशियन मेंटेलिटी, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि हमारी एशियन मेंटेलिटी होती है और हम ये सोच रहे होते हैं बस किसी तरह पैसे आए, हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमारी लर्निंग हो। लर्निंग होगी, दिमाग खुलेगा, वसीउ नज़र होंगे हम, मुख्तलिफ चीज़ें हमें नज़र आने शुरू होगी, हम भी टेक्नोलॉजी में हाथ डालेंगे और हमारे बच्चे कल आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें सलाम कहेंगी और वो भी कुछ सीख के ग्रो करेंगी। हम कह रहे हैं बस पैसे हैं पैसे हैं पैसे हैं, हर वक्त पैसे हैं पैसे हैं पैसे हैं की लालच में हम क्या करते हैं कि हम गलत प्रमोट करते हैं चीज़ को। हमारी अपनी गलती होती है, हम गलत प्रमोट कर रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी ये काम नहीं हुआ, क्योंकि जब आप गलती पर रखोगे, बुनियाद ही गलत होगी, तो आगे कैसे होगा, प्रमोशन कैसे होगी? अच्छा, दूसरा एक और अमूमी तौर पर सवाल आता है, वीडियो मेरी कैलकुलेशन की है लेकिन ये मुझे अपना गुस्सा यहाँ पे झाड़ने दें थोड़ा, क्योंकि मैं आज कल रात को 3 घंटे मैंने गुफ्तगू की और आज अपना काम मैं कर नहीं पाया,
और फिर जनाब सुबह सुबह मुझे मैसेज आ जाते हैं कि जी ये नहीं है वो नहीं है, तो मुझे लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ प्रॉपर वे। होता क्या है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करम अल्लाह वजू से कहा कि अली मुझे बता ज़िंदगी और मौत का फ़र्क तू क्या समझता है, तुम्हारी नज़र में ज़िंदगी और मौत के माबैन कितना फासला है। तो हज़रत करम अली करम अल्लाह वजू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक पाँव दरवाजे के बाहर है एक अंदर है, मुझे नहीं पता कि मैं दूसरा पाँव बाहर निकाल पाऊंगा कि नहीं, किस लम्हे मौत का फरिश्ता आएगा और मुझे उचक लेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया कि ऐ अली तुम्हें तो ज़िंदगी से बहुत तवक्को है, मुझे तो इतनी तवक्को नहीं है कि एक मरतबा पलक चपकाई तो दूसरी मरतबा आँख खोल पाऊंगा कि नहीं। तो भाई हमारे इसलाफ ने तो हमें ये बताया, तो हम ये कह रहे होते हैं जी हमें गारंटी दें। की आपने जब फेसबुक में अकाउंट बनाया था तो उनसे गारंटी ली थी? आपने जब लिंक्डइन में अकाउंट बनाया, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, वहां से गारंटियां ली थी? वहां पे आप फ्री अकाउंट बनाते हैं अगर, तो फ्री उनको सारी उम्र आपको मिलता कुछ नहीं है। फेसबुक से आप 12-12 साल का अकाउंट है, कुछ मिला? एक पाई भी मिली? नहीं मिली। यहाँ पे आप फ्री अकाउंट बना रहे होते हैं और मुझसे गारंटियां और दूसरे लोगों से गारंटियां मांग रहे होते हैं अपने अपलाइन से। भाई इट्स अ रिस्क फ्री कंपनी, आप आए फ्री में ज्वाइन करें, आप 1 महीना इसको स्टडी करें, अल्लाह ने दिमाग दिया है, वसीर नजर बने, दिमाग से देखें, सोचें, आंखों से देखें और फिर अपना फैसला लें कि आपने $100 पुट करने हैं कि $200 पुट करने हैं इसमें। और $100 ₹17-18 हज़ार पाकिस्तानी बनता है, ये कौन सा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप। और फिर दूसरी बात, एक लफ्ज गलत इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी बाय द वे, यू आर बाइंग अ अकाउंट, आप एक साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे हैं। तो लोगों के जवान बेटे फोत हो जाते हैं रोड पे, मोटरसाइकिल लेके निकले पता चला उसकी लाश आ रही है, नई गाड़ी आपने जस्ट निकलवाई बाहर रोड पे निकले वहां पे स्क्रैच लगा और जनाब 3-4 लाख का नुकसान हो गया, वो नुकसान होता है। यहाँ पे अगर 17 हज़ार फर्ज करें आप कंपनी आपने स्टार्ट किया, परसों तरसों कंपनी बंद हो जाती है तो आपको कौन, आप मर गए बस, वाह 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 मर गए आप, 17 हज़ार से आपका वो हो जाएगा, मर जाएंगे। तो बहरहाल ये वो पॉइंट थे तीन जिनके ऊपर मैं पहले स्टार्ट से पहले डिस्कस करना चाह रहा था। तो उम्मीद है अभी आप ये समझ गए होंगे कि भाई हम कोई इसकी गारंटी वारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है अगर मुझे कोई, अभी आप कहें फ़र्ज़ करें मिस्टर ए मुझे कहता है, अली कहता है, यासर नासिर ताहिर कोई भी मुझे कहता है जी अवैध साहब पेप्सी बंद हो गई है जी पाकिस्तान में, तो मैं कहूँगा ये सठिया गया है, पागल हो गया। वो कहेंगे जी कोका कोला बंद हो गई है, जियो टी न्यूज़ आज बंद हो गया है, तो मैं कहूँगा यार कैसे हो सकता है, इतने थोड़े टाइम में कैसे बंद हो सकती है, पूरा ट्रेल चलेगा, मनी ट्रेल होगा फिर बंद होगा, पेप्सी सेवन अप कोका कोला जैसी कंपनियां बंद हो जाएंगी, ये बंदा पागल है। तो भाई इन लोगों ने खुद 9-10 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं वेबटॉक वालों ने, और वो पिछले 9 साल से R&D कर रहे हैं, अभी तक ये लॉन्च नहीं हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपको उस एंगल से इसको सोचना चाहिए, लेट्स बी पॉजिटिव, लुक एट द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, नॉट ऑलवेज द नेगेटिव साइड। अच्छा अब हम जाते हैं जी कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन के ऊपर क्या होता है, मैं मिसाल ले लेता हूँ, एक आदमी है उसका नाम है अली और दूसरा आदमी है उसका नाम है बाबर, ठीक है। ये जो अली हैं फ़र्ज़ कर लें ये यू हैं, आप हैं, जो मिस्टर यू हैं वो हैं अली, इसको मैं यहाँ पे येलो रंग दे देता हूँ, और अली आपका क्या है डायरेक्ट है, सॉरी बाबर आपका क्या है डायरेक्ट है, ठीक हो गया, ये हम कर लेते हैं। इस तरह हम बात करेंगे, होता क्या है हमें ये भी पता है आपने काम क्या करना है, वेबटॉक में आपने पोस्ट करनी है क्वालिटी पोस्ट, और आपने फिर लाइक करना है, आपने फिर कमेंट करना है, आपने फिर उसके बाद शेयर करना है, तो ये काम आपका वेबटॉक के ऊपर होगा, ये काम आपने करना है। जब आप मिस्टर अली हैं आपने पोस्ट किया तो बाबर आपकी पोस्ट को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा। इसी तरह जब बाबर ने कोई पोस्ट की, पोस्ट को भी मैं ये कर देता हूँ, बाबर ने पोस्ट की तो अली क्या करेगा उसका लाइक कमेंट शेयर करेगा, ठीक। लाइक के ऊपर 10 पॉइंट्स मिलते हैं, ऊपर में पॉइंट्स भी लिख देता हूँ पॉइंट्स, और कमेंट के ऊपर जनाब अली 20 पॉइंट मिलते हैं और शेयर के ऊपर 30 पॉइंट मिलते हैं, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि फ़र्ज़ कर लें बाबर साहब ने, ये मैं ग्रीन कलर करता हूँ बाबर साहब को, बाबर साहब ने एक पोस्ट लगाई, पोस्ट को भी ग्रीन कलर कर देता हूँ, ठीक। बाबर साहब ने एक पोस्ट लगाई और अली ने क्या किया उस पर लाइक कमेंट और शेयर अली ने किया, तो ये कलर मैं अली वाला कर देता हूँ, किधर था अली वाला कलर भाई, ये था,
तो अली साहब ने उसके ऊपर कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। अब क्या होगा, अली को कितने पॉइंट मिले, 30 जमा 20 जमा 10, इसका मतलब है अली को 60 पॉइंट मिल गए। यहाँ पे ऊपर फिर मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। और बाबर को क्या मिला, बाबर ने एक काम किया, दूसरा काम किया, तीसरा काम किया, और बाबर को क्या मिलेगा, सॉरी, यहाँ पे मैं गलत कह गया आपसे। हुआ क्या कि अली साहब ने पोस्ट किसने की है, बाबर ने पोस्ट की है, अली ने उसको लाइक कमेंट शेयर किया है, तो अली को यहाँ पे 3 पॉइंट मिलेंगे और बाबर को 60 पॉइंट मिलेंगे। क्यों कि बाबर ने ये कंटेंट क्रिएट किया था ना, मेहनत किसकी थी, बाबर की थी, तो बाबर को 60 पॉइंट मिल जाएंगे और अली को 3 पॉइंट मिल जाएंगे, और इसको इन्फ्लुएंसर पॉइंट कहेंगे, ठीक है, इसको इन्फ्लुएंसर पॉइंट कहेंगे, और जनाब अली उसको हम कहेंगे इंटरेक्शन पॉइंट्स, ठीक, ये होंगे इंटरेक्शन पॉइंट्स। तो चले मैं यहाँ पे ये भी चीज़ डाल देता हूँ ताकि आप इसमें यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे है इन्फ्लुएंसर और इंटरेक्शन पॉइंट्स, ठीक, इसको थोड़ा वाइड कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। तो ये आपको चीज़ समझ आ गई जी। अब आगे आते हैं, यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे कहें जी बोनस पॉइंट्स पर डे आपने कितने लिए, फर्ज करें जी 50,000 लिए आपने बोनस पॉइंट्स, और जब बोनस पॉइंट्स 50,000 आपने लिए तो उसके ऊपर आपका कैलकुलेशन, हम स्लाइस कैलकुलेशन करते हैं, तो ये है कैलकुलेशन, कैलक 1000 पॉइंट्स होंगे तो बनेगी एक पाई, बनेगी पाई स्लाइस, एक पाई स्लाइस बनेगी, ठीक। तो यहाँ पे ठहरे, इस पाई स्लाइस को मैं ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पे इसका नंबर लिख देता हूँ, एक पाई स्लाइस बनेगी, और इसको मैं यूं कर देता हूँ, इस डिबिया में बंद कर देता हूँ इसमें। ये कैलकुलेशन है सिंपल के, यार इसको ये भी कर दूं, कैलकुलेशन क्या है, 1000 पॉइंट्स जो होते हैं, अच्छा यहाँ पे मैं बोनस पॉइंट्स लिख दूं, बी पी बोनस पॉइंट्स पीओ, और यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे अभी आपके टोटल स्लाइसेस कितनी बनेंगी, तो जाहिर है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टोटल स्लाइसेस आ जाएंगी, तो मैं लिखता हूँ टोटल पाई स्लाइसेस, तो ये क्या होगा, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपकी 50 पाई स्लाइसेस बन गई, ठीक है। और पाई स्लाइस की वैल्यू आज की क्या है, मैं यहाँ पे ऊपर करके लिख देता हूँ, देखिए पाई स्लाइस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, पाई स्लाइस आज है $0.0196। अच्छा होता क्या है पाई स्लाइस में, उसकी वैल्यू से कि वेब टॉक में देखें जितने लोग आएंगे, जितनी लोग कंपनी आएंगी वो अपनी एड्स देंगी, ठीक, और हम जितने मेंबर्स उन एड्स को देखेंगे वेबसाइट वेब टॉक को पैसे मिलेंगे, और उन पैसों का 50% रेवेन्यू हमसे शेयर करेंगे वो। अब होता क्या है कि हम क्वालिटी पोस्ट करेंगे ताकि कंपनियां इस बात से मुतफिक हों कि यार दिस इज़ अ क्वालिटी कंपनी, तो वो वहां पे आएंगी और टेलीनार, जैज, सेवन अप, पेप्सी, मेरिंडा, इन लोगों ने भी अपने एड्स वहां पे लगाने शुरू किया और इससे वेब टॉक को पैसे मिलेंगे। जितने ज़्यादा एड्स होंगे उतनी स्लाइस वैल्यू हाई होगी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी समझ लें, जितने ज़्यादा एड्स होंगे, क्वालिटी एड्स होंगे, उतनी पाई स्लाइस वैल्यू हाई होगी। हर महीने जब ये स्टार्ट किया था तो इन्होंने $4,000 पाई स्लाइस की वैल्यू रखी थी, फिर साथ में इन्होंने, खैर वो जगह भी मैं आपको बता दूं स्क्रीन शेयर करके ताकि कोई इबहाम ना रहे कि ये पाई स्लाइस क्या बोल रहे हैं अवैध साहब। एक मिनट ज़रा होल्ड कर जाएं, मैं अपना अकाउंट खोलता हूँ और तब तक आप मेरे साथ, आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, लेट मी ओपन माई अकाउंट, हियर इट गोस। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ जनाब अली, ये स्क्रीन शेयर हो गई है और किधर है ये है, और जनाब अली ये देख लें पाई स्लाइस, और यहाँ पे कुदरती हमारे इमरान खान साहब भी यहाँ पे सामने आ गए हैं जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये देखें हमारे सितंबर होल पाई वैल्यू कितनी थी, $7,000, और आज ये देखें 0.02 से स्टार्ट हुई है, 196 कल थी, ये क्यों कम हो रही है, इसलिए कम हो रही है कि जितने जितने मेंबर्स ज्यादा हो रहे हैं, जितना जितना काम ज्यादा हो रहे हैं, तो वो पाई की वैल्यू कम हो रही है,
ठीक है। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन लोग करने शुरू हो जाते हैं, कहते हैं भाई ये क्या बात है, ये तो पाई स्लाइस कोई कहीं ठहरती नहीं है, पता नहीं ये जीरो भी चली जाए। इस बात पे फिर नेगेटिविटी फैल जाती है और लोग शोर शराबा करने लगते हैं। तो भाई ये ऐसे नहीं होता है, ये बढ़ रही है, हर टाइम बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, और हर महीने के शुरू में ज़्यादा होती है, और आहिस्ता आहिस्ता महीना गुजरता है तो डाइल्यूट होती जाती है। और जितने ज़्यादा एड्स आएंगे, जैसे देखें ना यहाँ पे कोई एड्स अगर मैं देखता हूँ, कोई एड्स ये देखें CBN पाउडर, इसका कोई एड आया हुआ है जी, स्पॉन्सर पोस्ट है, तो ये आप इसको भी ओपन करके थोड़ा देख लिया करें। जब आप काम कर रहे हो तो दो तीन ऐड ओपन कर लिया करें, ताकि ये एक मतलब एक स्मार्टनेस है, ताकि उनको भी फायदा हो। जैसे ये मैंने ओपन किया तो क्या होगा कि वो वाला एक पेज खुल जाएगा, और उस पेज पे भी हम थोड़ा सा ये देखें, कुछ पढ़ लेंगे CBN पाउडर क्या है, ग्रे। तो बाय द वे, तो यहाँ से भी आप कभी कभी कोई पिक्चर अच्छी लगती है किसी से, वो पिक्चर भी पकड़ के आदमी वहाँ पे पोस्ट कर सकता है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने आज देखा प्लाइस, सॉरी प्लाइस कह रहा हूँ, ये हमने देखा कि पाई स्लाइस वैल्यू जो थी वो क्या थी, 0.0186 पे आ चुकी है। अच्छा, हम उसी जगह फिर वापस जाते हैं अपनी कैलकुलेशन वाली जगह पे, और यहाँ पे देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ टोटल इतनी हुई, तो स्लाइस वैल्यू 0.2 को मैं निकाल के 0. क्या था, 0.1896 समथिंग लाइक दैट, तो ये थी, तो इसको करता हूँ तो ये राउंड फिगर हो जाता है। तो राउंड फिगर को अगर मैं हटाता हूँ, खैर ताकि बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास आ जाए, तो ये मैं कर लेता हूँ, और इसके बाद कम ऑन ये करूँगा तो होगा, तो ये देखेंगे ये 986 डॉलर, और इसके ऊपर मैं डॉलर भी लगा देता हूँ, ये डॉलर लगाया तो फिर ये आ गया, क्योंकि उसने राउंडिंग ऑफ डेटा कर देता है, तो इसको मैं ज़रा बड़ा करूँगा तो ये अब ठीक हो गया, ये प्राइस प्राइस स्लाइस वैल्यू है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डॉलर्स कितने हुए, तो ये देख लें, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू, तो इसका मतलब है ये हमारी अर्निंग आ गई है, और इस अर्निंग को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो 0.95 डॉलर्स आ गए हैं, ये हमारी अर्निंग है आज की इस कैलकुलेशन के हिसाब से। क्लियर हुआ, बात समझ गए आप, इजी हो गया। अच्छा अब बात ये करते हैं कि अब इसी से मैं आपको रिलेटेड बात बताता हूँ, ये पॉइंट तो आपको क्लियर है, आपको पॉइंट्स की समझ आ गई। अब ज़रा जाते हैं अपनी इस कैलकुलेशन के ऊपर, और इस कैलकुलेशन को ज़रा गौर से देखिएगा, और जहाँ मैं बात कर रहा हूँ वहीं देखिएगा प्लीज़, इधर उधर नहीं देखिएगा, क्योंकि वो आपको फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन वन पे करते हैं, देखें आपने डेली 5 पोस्ट किए तो आपको इन्फ्लुएंसर पॉइंट 60 मिल गई, मैंने बताया था लाइक कमेंट शेयर के 60 पॉइंट होते हैं, एक पोस्ट के ऊपर 60 मिल गई। आप 20 लोग हैं, 10 आपके डाउनलाइन 10 आपके अपलाइन, 20 लोगों से आपने शेयर किया तो ये कितने हो गए, 6100 पॉइंट। ये कैसे किया, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो अगर एक आदमी ने ये सारे 5 पोस्ट किए और सब 20 लोगों के शेयर किए, तो उस आदमी को अपने इंडिविजुअली 6100 पॉइंट मिले। डेली इंट्रैक्शन पॉइंट्स मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, तो वो आपको मिल गए, तो 6100 ही लिया है यहाँ पे हमने, इनको छोड़ ही दिया, वेव ऑफ कर दिया है राउंडिंग ऑफ डेटा के लिए। अब यहाँ पे आए देखें, ये फ्री मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अभी फ्री की कैलकुलेशन हो रही है। टीम मैचिंग पॉइंट्स अर्न फ्रॉम द 10 डायरेक्ट्स, तो 10 डायरेक्ट को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 6100 से, तो 61,000 आ गई पॉइंट्स। टोटल पॉइंट्स अर्न पर डे 61,000 ये वाले प्लस आपके अपने 6100, तो ये 67,100 हो गए, ठीक 67,100 हो गए। अच्छा अब क्या होगा, टोटल पॉइंट्स पर मंथ, इसको 30 से ज़रब दे दें, मंथ की कैलकुलेशन में निकाल रहा हूँ, तो ये आ गया 2.02 मिलियन आ गए जी। टोटल स्लाइस अर्नड 2,000 स्लाइसेस आपकी आ गई, और वैल्यू क्या थी 0.02, तो इस वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं 0.0186 समथिंग लाइक दैट, तो ये आपके 37 डॉलर्स अ मंथ आ गए जब आप फ्री हैं। तो 37 डॉलर्स अ मंथ को अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में करूँ, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 167, तो आपके 6200 रुपये तो फिर भी आ गए भाई, इसके पीछे में रुपीज़ लिख देता हूँ, खैर इससे टाइम ही हमारा ज़ाया होगा और तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये होगा कि आप लोग कल गिला नहीं करेंगे कि चीज़ मुझे हमें मिली नहीं, तो ये इसको मैं कलर ये दे देता हूँ, पाकिस्तानी रुपीज़ इतने बन जाएंगे। अब अगर आप थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लेते हैं और अपग्रेड करते हैं आप प्रो अकाउंट में, तो क्या होगा, आपके 5 लेवल एक्टिव हो जाएंगे, 5 लेवल एक्टिव हो जाएंगे। और हम करते हैं समझते हैं कि जैसे अब फर्ज करें
एक आदमी है बड़ा सीरियस है, वो अपने जैसे तीन सीरियस आदमियों को बताता है। एक आदमी ने तीन लोगों को बताया, उन तीन लोगों ने आगे तीन को बताया, उन लोगों ने आगे तीन को बताया, तो किस तरह कैलकुलेशन होगी वो देख लें। एक आदमी के अपने 6,100 पॉइंट थे, हमने ऊपर पढ़ लिया, उसने तीन लोगों को बताया तो 6,100 इंटू 3 18,300, उन्होंने आगे तीन लोगों को बताया, तीन तीन नौ हो गया, नौ को इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है। तो इसका मतलब है अगर आपके पांच लेवल में 243 लोग टोटल हो जाएंगे और 1.4 मिलियन आपके बोनस पॉइंट्स आएंगे, इन सबको अगर आप जमा करेंगे, क्योंकि ये लोग भी तो जमा हो रहे हैं ना, तो 2.20 मिलियन आपके आ गए। टोटल स्लाइस पर डे 2.20 आ गई, अर्न पर डे की बात हो रही है, आप मंथ में कंफ्यूज नहीं होइएगा, $44.41 अब अ डे आ रहा है। जब आप जैसे तीन लोग अफराद सीरियस लोग काम कर रहे हैं तो मंथली आपके आगे दिस मच मनी इन डॉलर्स, और पाकिस्तानी रुपीज में अगर मैं करूँ तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 167, तो ये आगे दिस, और इसके साथ मैं एक काम करता हूँ कि मैं पी के आर लिख देता हूँ, और पी के आर लिखता हूँ, जब पी के आर तो ये आ गया, और पी के आर लिख दिया तो ये देखें, और इसको मैं येलो डब्बे में बॉक्स में बंद कर देता हूँ, और इसे बोल्ड कर देता हूँ, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ये देखें, और इसको एक फ्रैक्शन कम करता हूँ ताकि राउंड फिगर आपको मिल जाए 2,22,000 अगर तीन लोगों से आप काम करते हैं। अब अगर यही आप थोड़ा अच्छा काम करते हैं, और देखें आप क्या काम करते हैं कि आप यहाँ पे हैं, आपने अपने जैसे पांच लोगों को सिर्फ, आपके देखें मोबाइल में 50, 200, 300 नंबर हैं, पर मैं कहता हूँ सिर्फ पांच लोगों से आप गुफ्तगू करें, और पांच सीरियस लोग आपकी तरह हों, जिनकी बड़ी ड्रीम्स हों, जो कि अपने वालदैन को हज कराना चाह रहे हों, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाह रहे हों, जो कि डोंट वांट टू बी अ स्लेव कंपनी फ्रॉम 9 to 5 करना चाह रहे हों, वो किसी का मुलाजिम गुलाम नहीं बनना चाह रहे हों। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 थे, उन्होंने आगे अपने पांच दोस्तों को बताया, उन्होंने पांच को बताया, उन्होंने पांच को बताया, हर आदमी पांच पांच को बता रहा है, तो लेवल वन में पांच पांच पंजे 25, 25, 25, 5, 125, 125, 125, 625, 625, 625, 5, 3125 टोटल आपके हो जाते हैं, राइट। और बाय द वे इन सबको अगर मैं जमा करूंगा, यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, अब दोबारा जमा कर लेता हूँ मैं इनको, ये देखें इन सबको जमा करता हूँ अगर मैं, तो ये टोटल आपके 3905 आ जाएंगे, 3905 आ जाएंगे, ठीक। और इसी को अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ, इसके बाद में मैं करूँगा, चलें इसको, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप। अच्छा 3905 हो जाता है। अब ये पाँच की अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो दोबारा उसी शीट पे हम जाते हैं, ये देखें पाँच की अगर मैं यहाँ पे पाँच डाल देता हूँ, हियर इट गोज, तो ये देखें आपको याद है ना 3125 लोग आए थे और इतने पॉइंट हुए थे आपके, और 23 मिलियन पॉइंट हो गए थे, तो भाई आपके $476 अ डे आप कमाएंगे, जो कि आपके $14,000 मंथली बनते हैं, जो कि 2.3 मिलियन रुपीज बनते हैं। एंड इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि एक आदमी ने अभी पिछले महीने $12,000 का चेक लिया है, उसने इन कैश करवाए हैं। $5,000 वाले तो हमारे अपने जानने वाले हैं, $1,000 वाले हैं, मेरे भी माशाल्लाह कुछ थोड़ी सी अमाउंट आई है पिछले महीने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मनी इज कमिंग। अब उम्मीद है ये इससे आसान तरीन कैलकुलेशन थी, अब मुझे कोई कैलकुलेशन का पूछेगा नहीं, बिल्कुल बेहतरीन कैलकुलेशन कर दी है। और दूसरी अगर यहाँ से मैं आपको बताऊँ, देखें एक और चीज़ मैं आपसे बताता हूँ, अब शेयर यहाँ पे करते हैं, लेट सपोज अभी मेरे डेली के 2-3 पॉइंट पर डे डेली के आ रहे हैं, ठीक, तो मैं मंथली के कहता हूँ, फर्ज करें मैं बिल्कुल काम हल्का करता हूँ, हल्का, अभी आप देखें आपके भी इस वक्त जो फ्री आए हैं तो 0.2, ठीक है जी, 0.002 भी अगर आते हैं, ये तो बिल्कुल ही छोटा था इसलिए उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने कहा भाई किस दुनिया में रहते हो, 0.002 क्या आएगा। तो इसको अगर मैं 30 से ज़रा दे दूं, चलें एक मिसाल लेते हैं कि महीने में कितने आएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 30 अगर मैं करता हूं तो ये 0.060 आ जाते हैं, और इस अमाउंट को मतलब बिल्कुल ही आप कम नहीं कर रहे, तो यहां अगर मैं लिख दूं 0.06, तो फिर भी आपको पाकिस्तानी 30,000 रुपये मिलते हैं भाई, बिल्कुल कम अगर करते हैं तो। और मैं आपको बताऊं, अगर लेट सपोज आप महीने के दिन का $1 करते हैं तो महीने के $30 हुए, महीने के कितने हुए, 30 हुए, तो ये देखें ये इतना हुआ कि ये सेल ही कम हो गए, सेल का गुंजाइश कम होगी, इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर महीने के
$30 आप कमाते हैं तो कल के मेरे $44 एक दिन के आए हैं, परसों के सॉरी, कल के $22 आए हैं, परसों कितने आए हैं, तो एवरेज ले लें तो $20-25 पर डे आ रहे हैं। लेकिन चले हम कहते हैं मंथ में अगर $30 आते हैं मंथ में, तो आपने अगर 3,000 लोग कर लिए 5 लेवल में, तो आपको 15 लाख रुपए मिल रहे हैं भाई। 15 लाख रुपए, इट्स क्वाइट कूल अमाउंट, इजंट इट? और लेट सपोज आप कहते हैं नहीं भाई, सिर्फ $1 a month करें, तो फिर भी 5 लाख रुपए हैं। आया कि हम 20 साल स्टडी करके कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके 20-20 साल स्टडी करके बगल में हमारा CV दबा के लोगों के दरों पे घूम रहे होते हैं कि भाई हमें जॉब दे दो, हमें जॉब दे दो, राइट? हम जॉब के लिए धक्के खा रहे होते हैं, और फिर जब जॉब मिलती है तो हर वक्त डर रहे होते हैं कि कौन कंपनी पॉलिटिक्स करेगा और मुझे जॉब से निकलना पड़ेगा, और उसके लिए हम पहले ही हम खुद पॉलिटिक्स में शुरू हो जाते हैं, और सारे दिन हम सारा इस तरह उम्र गुजर जाती है, 60 साल बाद हम कुब कमर में कुब लेके बाहर निकल आते हैं और हमारे हाथों में कुछ नहीं होता, वही going to office, come back home, ये हमारी रूटीन रहती है, ना हम लाइफ इंजॉय करते हैं, ना हम सक्सेस इंजॉय करते हैं, ना हमारा बड़ा घर होता है, ना बड़ी कार होती है, ना बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो अगर हम थोड़ी मेहनत इस वक्त कर लें और सही डायरेक्शन में कर लें, और एम मेहनत का हिस्सा जुज ये है कि आप स्टडी करें, लर्न, 20 साल लगा के हम 20,000-40,000 रुपए की तनख्वाह के लिए हम तड़पते हैं, लेकिन 20 साल हम पहले पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी तक हम जाते हैं 18-20 साल, या चले 16 साल, या चले 14 साल, और 14 साल में से यार यहाँ पे 14 दिन तो आप दे दो पढ़ने में, सिस्टम को समझने में, 14 दिन हम देने को तैयार नहीं होते, और हम कहते हैं हमारे पास मिलियन रुपीज आ जाए, राइट? तो बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैंने भी अपना टाइम, बाय द वे 12 बज गए सुबह से, आज मैंने काम कुछ नहीं किया, यही मैंने कहा कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह समझा दूँ। वो हमारे एक दोस्त ने कहा था, हमें सोहेल मंजूर ने कहा था कि यार ये कैलकुलेशन बना के हमें भेज दें, तो मैंने भेज दी। उम्मीद है सब समझ आ गई होगी आपको, और जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। कोई बात से अगर नालाम हुए हो मेरी बात से, मैंने सख्ती से कह दी हो, तो आप उसे माइंड नहीं कीजिएगा, ये अपने मोहब्बत से हम कहते हैं जो कुछ कहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी टीम के लोग ग्रो करें, ठीक? हम व्हेन यू आर सक्सेसफुल, माय टीम इज सक्सेसफुल, आई गोना बी सक्सेस। तो अपनी कामयाबी के लिए मैंने अपनी टीम को कामयाब करना है, उसके लिए रातों को जागना पड़े। आज रात 3 बजे में सोया सुबह, मतलब वो रात तो नहीं थी, सुबह 3 बजे थे, और फिर जनाब सुबह उठ के फिर काम आपके साथ। तो ये मैं ये नहीं बता रहा कि मैं बहुत काम में, ये मेरा हक बनता है मैं बताऊं, लेकिन ऐसे कोई दुनिया में कोई काम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कि आप बिल्ली शेर की खाला ना बने। हर जगह पर लोग होता है कि वो कहते हैं कि मैं कुछ चीज़ें संभाल के रखूँ, सारे राज अपने एम्प्लॉयज़ को ना दूँ, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं हम सारे राज किया अल्लाह करे राजों की जड़ें भी हम उखाड़ के अपने डाउनलाइन को दे दें ताकि वो जल्दी ग्रो करें। जब वो ग्रो करेंगे तो मैं ऊपर ग्रो करूँगा भाई, ठीक हो गया? तो बी हैप्पी, हैव अ वंडरफुल टाइम, मे अल्लाह ब्लेस अस ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।